सिरोंज की पालीवाल कॉलोनी में गुरुवार रात करीब 10:30 बजे नारायण बघेल चाकूबाजी में घायल हो गया, जिसे रात में आरोग्य अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद भोपाल ले जाया गया। यहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि नारायण की पत्नी कलावती ने रिपोर्ट की है कि गुरुवार रात करीब 10:30 बजे नारायण खाना खाने के बाद झांकी की तरफ टहलने गया था। कुछ देर बाद शोर शराबा सुनकर वह अपने बेटे केशव के साथ झांकी की तरफ गई तो देखा कि मोहित रघुवंशी, अंकित शर्मा और छोटू यादव चाकू से नारायण पर वार कर रहे थे। हमारे पहुंचने के बाद वे तीनों भाग गए। कलावती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल नारायण बघेल अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। उसे कई बार पुलिस पकड़ चुकी है। उस पर अवैध शराब विक्रय के कई केस दर्ज हैं। सिरोंज में और लोग भी अवैध शराब का धंधा करते हैं। कल की चाकूबाजी की घटना को शराब के अवैध धंधे से आपसी रंजिश को जोड़कर देखा जा रहा है। सिरोंज से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। कल रात में एक छुरीबाजी की घटना हुई है पालीवाल कॉलोनी में, जिसमें घायल नारायण बघेल है, जो इलाज के लिए भोपाल रेफर हुआ है, वर्तमान में इलाजरत है। इसमें तीन लोगों के खिलाफ FIR की गई है, धारा 307, वर्तमान धारा 109 IPC के तहत विवेचना जारी है।